लो भैया दिवाली की हंस ले ले हंस उधर हंस इसको देखकर आप ही हंसोगे वाह क्या एक्टिंग कर रहा है क्या है ये गन गन है दिवाली के लिए तो कैसे जलती है माचिस से माचिस माचिस नहीं गन है ये जला के चलती है कैसे चलती है इसको चलाओगे तब वो जलेगी माचिस जल जाएगी अच्छा फिर तो इंटरेस्टिंग चीज है भाई खोलो खोलो ऑलराइट गाइस तो यार कब से कह रहा था गन 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 अब आपके साथ में इसको अनबॉक्सिंग करते हैं मुझे नहीं पता भैया मैंने तो अमेज़न पे देखी थी और फिर मैंने इसको पता नहीं कब बोला था और इसने ऑर्डर कर दिया मुझे एकदम से याद आ गया कि हाँ ये कौन सी गन हो सकती है तो ये मे भी वो हो सकती है इसके अंदर माचिस की तिल्ली डाली जाती है और फिर ये चलाई जाती है तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आपको भी दिखाते हैं अच्छी होगी तो आप खरीदना नहीं अच्छी होगी तो मत खरीदना चलो फटाफट से इसके अनबॉक्सिंग करते हैं लेट्स गो अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पहले इनको दिखा दूं हाँ निकलो यहाँ से पता नहीं क्या है यार बच्ची हो गया तुम छोटी बच्ची हो क्या तो गाइस यार ये है कितने की है ये 250 रुपए की गाइस गन है अब देखते हैं कि कैसी है पैकेजिंग भी पूरी पैक है मैंने अभी तक इसको खोल के नहीं देखा है तो गाइस ये ओ तो गाइस आप देख अबे दो आ गई बोलो मजा आया 200 रुपए में 200 250 में 2 आ गई अबे चोट होगी बेटे वीडियो डाले ना डाले फायदा हो गया 100 रुपए का चलो मैदान डाल देंगे ठीक है तो गाइस यार कुछ इस तरीके की गन है आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है हॉट फायर मैच गन टारगेट शूटिंग गन टॉय तो ये टॉय है डियर यूट्यूब ये टॉय गन है तो प्लीज वीडियो को डिमोनेटाइज मत करना तो इसे खोलते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक छोटी सी टेप है गाइस इन्हें भी खोल देते हैं और ये रही हमारी गन ओ तेरी माचिस की तिल्ली भी साथ में आई है इसके अंदर है माचिस की तिल्लियां कुछ इस तरीके की नॉर्मल जैसी जो कि इस तरीके से जलती है ओ जल गई गाइस आप देख सकते हैं कि माचिस की तिल्ली जल चुकी है तो गाइस कुछ इस तरीके की गन है मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे चलती है यहाँ पे एक स्प्रिंग है यहाँ पे कुछ बटन है इसको दबाने से शायद कुछ होता होगा तो अभी तो ट्रिगर काम नहीं कर रहा है ओ वाह जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ बहन ये कुछ इस तरीके से खुल जाती है और ये लोड हो गई और ये लोड हो गई और अब ये मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से माचिस की तिल्ली इसके अंदर जाएगी ऐसे और अब ट्रिगर दबा के देखते हैं क्या होता है तो गाइज अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है रीलोड करते हैं चलनी तो चाहिए यार पता नहीं कैसे शायद हमें ढंग से नहीं चला पा रहा हूँ या फिर क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता ये दूसरी मैंने लोड कर दी है तिल्ली देखते हैं ये चलती है या फिर नहीं ओ भाई काम तो कर रही है यार गन यार तो गाइस कुछ इस तरीके से चलती है अब मैं समझ में आया मैं सोच रहा था कि तिल्ली फायर होगी लेकिन फायर इस तरीके से नहीं हो रही है बस इसे इस तरीके से यहाँ पे डालो इसे इस तरीके से लोड करो और फिर वाह तो गाइस अब मैं समझ गया हूँ सिंपली आपको इसके अंदर बस तिल्ली डालनी होती है कुछ इस तरीके से तिल्ली की साइज छोटी बड़ी हो सकती है इसीलिए आप इसके अंदर जो फिट बैठे वो तिल्ली ले सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं और फिर देखते हैं कि तिल्ली लगती है अभी नहीं आवाज तो बड़ी तेज वो दूसरी बंदूक भी चलाने लग गए वो लोग तो गाइस यार गन तो ठीक है क्योंकि इस हिसाब से तो अपन कह सकते हैं कि भाई दिवाली के टाइम पे अगर मान लो कि अपने पास फुलझड़िया वुलझड़िया अगर ऐसा मतलब जो भी दूसरी रिंग कैप वगैरह वो सब खत्म हो जाए तो अपन सिंपली माचिस की तिल्लियाँ लेके ये बच्चे हैं यार बच्चे मैं भी बच्चा ही हूँ तो मैं भी बच्चा ही हूँ तो रुको तो गाइस यार काफी बार इसके अंदर से जो तिल्ली है वो बाहर भी आती है और अबे रिलोडिंग तो काफी बार तिल्ली इसके अंदर से बाहर भी आती है यार चल ही नहीं रही है देखा आपने लापरवाही का नतीजा है रिलोडिंग तो गाइस कुछ इस तरीके से आप अपनी जेब के अंदर रिलोडिंग कुछ इस तरीके से अरे यार ये गन खराब है सर तो गाइस कुछ इस तरीके की गन है आप देख सकते हैं हाँ तिल्लियों से रिलोड हो जाती है थोड़ा सा तिल्ली वगैरह डालने में दिक्कत आती है बाकी गन ठीक है मैं पर्सनली आपसे नहीं कहूँगा कि आप इसे लो या फिर मतलब आपकी चॉइस है आपने गन देख ली है कुछ इस तरीके की है पसंद आए तो ऑर्डर कर लेना दिवाली के बाद में भी आप इसके साथ में मज़े ले सकते हो हाँ सेफ है इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम मुझे इसके अंदर नहीं लग रही है तो
आज के लिए बस इतना ही। गन तो अच्छी है, सस्ती भी है। मेन बात ये कि दूसरी चीज़ें घर में अवेलेबल हो ना हो, माचिस की तिल्लियाँ तो होती ही है, तो जब चाहे तब अपन इसको रिलोड कर सकते हैं और फिर चला सकते हैं। तिल्ली भी इसके अंदर से निकलती है कभी कभी। तो गाइस यार आई होप ये अगर अच्छी लगी है तो आप ले लेना, अमेज़न पर मिल जाएगी, और नहीं लगी है तो आपकी चॉइस है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने बस जो रिव्यू मुझे देना था वो मैंने आपको दे दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। मेरी वाली फेल होगी इस बार। कौन है रे? कौन था वो? अबे तो अभी तक कैमरा चालू कर भैया। डर डर इसे कहते हैं, डर डर डरो मुझसे। अरे भाई यार, भाई गाइस हैप्पी दिवाली है। डर डर डर।